तो अब वर्ल्ड कप फाइनली आ गया है और वर्ल्ड कप फाइनल से पहले अगर भारत की जर्नी पर नजर डालें तो भाई इंडिया ने जबरदस्त क्रिकेट खेली है। बस थोड़ा सा डर रहता है कि खराब दिन ना आ जाए ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि टीम कमजोर नहीं है, शायद वो इस टूर्नामेंट की सेकंड बेस्ट टीम है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया है तो इस चीज से डर लगता है। बाकी यार इंडिया की टीम अगर यहाँ पे पहुंची है और हम और आप कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगा वर्ल्ड कप इतने कॉन्फिडेंस से, इसका मतलब है भारत ने अपने जौहर दिखाए हैं, भारत ने अपनी जो कला है ना क्रिकेट खेलने का तरीका है उससे इम्प्रेस किया है। शायद भारत ने जो पिछले 2 साल से कहा था वो करके दिखाया कि जी हम सोच ऐसी रखना चाहते हैं, उन्होंने वो करके दिखाया है। अब एक इम्तिहान और है, क्योंकि आप जैसा मर्जी खेलें याद रहता है वो टीम जो वर्ल्ड कप जीतती है, यानी कि आखिरी दिन। और मैं तो आप लोगों को भी कहूंगा कि यार आप लोगों ने जो क्रिकेट का पैशन है, 130 करोड़ हिंदुस्तानी है, 140 करोड़ हिंदुस्तानी जो पैशन हम लोगों में है, उसी की ऊर्जा से ये टीम जीतती है, क्योंकि टीम को ना वो ऊर्जा मिलती है। और क्रिकेट तो आप जानते हैं हिंदुस्तान के लिए क्या मायने रखती है, नब्ज हमारी जो है वो भारतीय टीम की परफॉर्मेंस के साथ ऊपर नीचे जाती है। लेकिन आप अपने पैशन को एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करते हैं क्या? क्या आप अपने पैशन से खुद के लिए इनाम जीतना चाहते हैं? अगर आपको मैं ये बताऊं कि आपके पैशन से, आपके सेंस ऑफ एक्सप्रेशन से आपको आईफोन मिल सकता है, तो भाई क्यों मौके को वेस्ट आप कर रहे हैं? आप जो क्रिएटिविटी है आपकी, या आपका आइडिया है, या आपकी सोच है क्रिकेट के लिहाज से, आप क्या करें कि इस वेबसाइट पर जाएं जो है www.masterstroke.rajanigandha.com। आप उस क्रिएटिविटी को, उस एक्सप्रेशन को, उस आइडिया को उस वेबसाइट पर जाकर रखें, फिर आप उसे अपने सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करें। आप इस ब्रांड को ज़रूर टैग भी करें, और जिस पे जितनी ज़्यादा एंगेजमेंट होगी, मतलब अगर आपके सोशल मीडिया पे उस एक्सप्रेशन को लेके, उस क्रिएटिविटी को लेके, उस आर्टवर्क को लेके सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट है, तो आपको मिल सकता है आईफोन। आईफोन जीतना इतना आसान तो नहीं होता, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि भारत के लिए भी ये वर्ल्ड कप जीतना इतना आसान नहीं था। इसके पीछे ना 2 साल की मेहनत थी, वो मेहनत जहां पर भारत ने नाकामी भी देखी। इसी 2 साल में मैं वर्ल्ड T20 को भी गिनता हूं, जहां भारत हारा पिछले साल और दिल बहुत टूटा, लेकिन शायद T20 में ना भारत पीछे था, उस सोच में हम पीछे थे, शायद उस नाकामी से हमें वी वर फोर्स्ड कि अपने आप को और बेहतर करें, कुछ चेंजेस हुए। लेकिन वही राहुल द्रविड़, वही रोहित शर्मा की कप्तानी, जो हम लोग भी कहते थे कि यार बताओ यार क्या कर रहे हैं, वो इंतजार करते रहे। अच्छी बात ये हुई कि इन्होंने 2019 की तरह बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, चल तू भी अंदर तू भी बाहर, तू चल इधर तू। इन्होंने अगर श्रेयस अय्यर इंजर्ड थे तो उनको 4 नंबर पे सोचा था, अगर केएल राहुल इंजर्ड थे तो उनको 5 नंबर प्लस विकेट कीपर सोचा था, बुमराह का तो खैर स्टैचर ही ऐसा था, फिट होते ही वो तो ही वुड हैव वॉक्ड इनटू द टीम। बट एशिया कप से ठीक पहले अगर आप जाएं, वहां तो भारत हार भी रहा था, 11 खिलाड़ी नहीं पूरे हो रहे थे यार। अब तो बल्कि उस टाइम पे जिन खिलाड़ियों को हम सोच रहे थे इसको 15 में रखो क्यों नहीं रखा, उनका कोई नाम भी नहीं ले रहा, क्योंकि हर खिलाड़ी चैंपियन की तरह खेला है। आप चैंपियन की तरह तभी खेलते हैं यार जब आपको वो मैनेजमेंट आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपको कहती है कि हम आपको बैक कर रहे हैं, जाओ यार जो मर्जी करो। और अक्सर ये खेल में देख लें आप या कॉरपोरेट कल्चर में देख लें, जहाँ आपकी मैनेजमेंट आपको बैक करती है तो आपके पास ए वो कॉन्फिडेंस रहता है, बी और फियर ऑफ फेलियर नहीं रहता। बस यही मेरी है एक चिंता कि जो 2013 के बाद से हम कहते हैं भारत जीता नहीं, क्यों? क्योंकि बड़े दिन और फियर ऑफ फेलियर आ जाता था, वो उम्मीदों का पहाड़ जो था हम पे ही हावी हो जाता था। बस इस मैच में जब ये 2 बजे पहला गेंद गिरेगा, भारत को फियर ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए, और अगर भारत में फियर ऑफ फेलियर नहीं है ना दोस्तों, तो वर्ल्ड कप आ रहा है। बाकी आपको मैंने एक बार फिर कहा, आप भी जीतिए एक आईफोन। कैसे? आप अपने आइडियाज को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने आर्टवर्क को जो क्रिकेट के प्रति आपका है, www.masterstroke.rajanigandha.com पे जाके रखें, और अपने सोशल मीडिया पर उसको आप शेयर जब करें तो ब्रांड को टैग जरूर करें, सबसे ज्यादा एंगेजमेंट जिसकी होगी उसे मिलेगा आईफोन। बाकी अगर आपको हमारी कवरेज पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। 7 मिलियन का परिवार ऑलरेडी हो चुका है, और अगर इंडिया आज वर्ल्ड कप जीत गया तो आई एम श्योर
आज ही आज ये परिवार 8 मिलियन का हो जाएगा। मैथ से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।